शिवसेना सांसद संजय राउत पात्राचौल घोटाले से पहले एक बात के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे और वो है उनका बड़बोलापन। जी हाँ, संजय राउत कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते थे। कंगना रनौत को तो संजय राउत ने गाली तक दे दी थी और इस तरह राउत अपनी हद से ज्यादा बोल गए थे। मगर अब तक संजय राउत के पास पावर थी तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मगर अब पावर जाते ही राउत बुरी तरह घिरने लगे हैं। पात्राचौल घोटाले में 2 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद राउत के लिए एक और मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि अब संजय राउत को अपने बड़बोलेपन की वजह से बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, मुंबई की शिवड़ी कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां से मिल रहे इनपुट के मुताबिक राउत पर अब एक और केस चलाने का कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। 1 नवंबर से संजय राउत के खिलाफ एक और केस में ट्रायल शुरू हो जाएगी, जो कि राउत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसके मुताबिक राउत ने मेघा के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो भी बयान दिया था वो मानहानि वाला ही बयान था और वो बयान सोच समझकर किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए दिया गया था, ऐसा कोर्ट का कहना है। वहीं इसके बाद संजय राउत अपने बयान को सही ठहराते रहे, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट में जितनी भी बार सुनवाई हुई उतनी ही बार संजय राउत ने अपने बयान को सही ठहराया। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय राउत के खिलाफ 1 नवंबर से मानहानि के मामले में केस चलाया जाए। मेघा सोमैया के वकील आनंद गुप्ता के जरिए दाखिल अपनी शिकायत में मेघा सोमैया ने दावा किया है कि राउत ने उनके और उनके पति किरीट सोमैया के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह मानहानिकारक आरोप लगाए थे। याचिका के मुताबिक संजय राउत ने मेघा सोमैया पर मीरा भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख रखाव में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। वकील के जरिए मेघा सोमैया ने कहा कि आरोपी संजय राउत द्वारा मीडिया में दिए गए बयान से मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आम जनता की नजरों में मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए ये बयान जानबूझकर साजिश के तहत दिया गया। मैं कोर्ट से इंसाफ चाहती हूं। कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी ना बख्शा जाए जो कि एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुँचाता है और उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाता है। अब इस मामले में कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही थी। बीच में कोर्ट में ये हुआ था कि अगर संजय राउत मेघा सोमैया से माफी मांग लें तो केस वहीं रफा दफा हो जाएगा, यानी कि केस वहीं पर खत्म हो जाएगा। मगर माफी तो दूर की बात, संजय राउत ने तो ये तक मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा था। अब 30 सितंबर को शिवड़ी कोर्ट में हुई सुनवाई में संजय राउत के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी क्लाइंट ने मेघा सोमैया को कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे उनको मानहानि जैसा लगे, एक मामूली से बयान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वहीं मेघा सोमैया के वकील अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस में ट्रायल शुरू किया जाए, यानी कि संजय राउत के खिलाफ केस चलाने का साफ संकेत कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। अब अगर कोर्ट में केस चलता है तो यकीनन संजय राउत को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि संजय राउत का वो बयान बहुत जगह पर रिकॉर्डेड है, टीवी चैनल्स पर खूब प्रसारित किया गया था। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने सरेआम ये बयान दिया था, जबकि संजय राउत के पास मेघा सोमैया के खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह, वो फिर भी मेघा सोमैया को 100 करोड़ के घोटाले का आरोपी बता रहे थे। अब अगर कोर्ट में केस चलता है तो यकीनन हार संजय राउत की ही होगी और मानहानि के केस में दूसरा पक्ष मोटी रकम की भी डिमांड कर सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेघा सोमैया भी राउत से मानहानि के केस में बड़ी रकम मांग ले, क्योंकि माना जाता है कि बड़ी रकम के जरिए जो मानहानि हुई है उसकी भरपाई की जा सकती है, उसे मुआवजे के तौर पर दी गई रकम मानी जाता है। कई बार तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मानहानि के केस में मांग लिए जाते हैं। हाल ही में हॉलीवुड में हुआ केस आप सभी को याद होगा, जहां एक्टर जॉनी टॉप ने मानहानि का केस जीता और कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपी एक्ट्रेस एम्बर हर्ड को $15 मिलियन यानी कि करीब 116 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए गए। तो मानहानि केस में अगर ट्रायल चलता है तो बहुत बड़ी मुश्किल संजय राउत के लिए होना तय माना जा रहा है, क्योंकि राउत न तो अपनी गलती मानने को तैयार है और न ही माफी मांगने को। ऐसे में केस चलना ही आखिरी विकल्प है। तो पात्राचौल में फंसकर वैसे ही संजय राउत हर तरफ से लुट चुके हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज सील हो चुकी हैं, कई सारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं, परिवार की प्रतिष्ठा भी गई और राजनीतिक करियर भी खत्म ही समझो। तो हर तरफ से बर्बाद संजय राउत के लिए ये मानहानि केस कब्र में आखिरी कील का काम कर सकता है और हो सकता है कि ये मानहानि केस हारने के बाद संजय राउत पूरी तरह कंगाल हो जाएं और उन्हें सड़क पर आना पड़ जाए। तो आपको क्या लगता है, बड़बोले संजय राउत के खिलाफ केस चलना चाहिए? और अगर केस चलता है तो संजय राउत की हालत किस हद तक खराब हो सकती है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो महाराष्ट्र आवास प्राधिकरण यानी कि म्हाडा ने 14 साल पहले मुंबई के गोरेगांव में पात्राचौल का पुनर्विकास काम शुरू किया था, लेकिन विवादों में फंसने के बाद ये परियोजना ठप पड़ गई और इस पर कोई भी काम नहीं हो पाया। अब ये काम फिर से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, म्हाडा इसे पूरा करने की प्रक्रिया में है और इसका दावा खुद म्हाडा के अधिकारी कर रहे हैं। दरअसल खबर है कि पिछले महीने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि म्हाडा ने भूखंड के अपने हिस्से पर इमारतों पर लंबित काम को पूरा करने के लिए बोलियां मांगी थी। म्हाडा की जमीन के हिस्से पर बने घर शहर के कम लागत वाले आवास स्टॉक में जोड़ दिए जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि म्हाडा ने 672 पात्राचौल निवासियों के पुनर्वास के लिए इमारतों के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। यानी कि 672 परिवारों को जो घर मिलने वाला था, जो फ्लैट मिलने वाला था, उसका म्हाडा ने एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। द प्रिंट के मुताबिक म्हाडा के मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी योगेश महाशय ने बताया कि भूमि के म्हाडा हिस्से की इमारतें आंशिक रूप से तैयार हैं और हमने काम पूरा करने और उनकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की जांच करने के लिए बोलियां मांगी हैं। उन्होंने बताया कि हमने उन इमारतों का भी काम पूरा करना शुरू कर दिया है जिसमें पात्राचौल के सभी परिवारों को स्थायी घर दिए जाएंगे। ये अगले 2 सालों में तैयार हो जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2 साल के अंदर अंदर पात्राचौल के सभी पीड़ित परिवारों को उनका हक, उनका घर हम बनाकर दे सकें। यहाँ आपको बता दें कि पात्राचौल प्रोजेक्ट उस समय राजनीतिक विवाद में फंस गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 1 अगस्त को पुनर्वास परियोजना के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर शिवसेना नेता संजय राउत को अरेस्ट कर लिया और पात्राचौल से जुड़ा 1034 करोड़ का ये घोटाला संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया। यहाँ आपको बता दें कि म्हाडा ने साल 2008 में ये स्कीम शुरू की थी और इसके लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया था। ये गुरु आशीष कंपनी वही है जो कि संजय राउत के बिजनेस ब्रदर यानी कि प्रवीण राउत की कंपनी है। म्हाडा की इस डील के मुताबिक गुरु आशीष कंपनी को यानी कि प्रवीण राउत की कंपनी को 47 एकड़ में पहली चौल के भूखंड का पुनर्विकास करना था, 672 परिवारों का पुनर्वास करना था और भूखंड के एक हिस्से पर म्हाडा को सौंपने के लिए कम लागत वाला आवास स्टॉक भी बनाना था, लेकिन डेवलपर्स ने बीच में ही प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया और 672 परिवारों को किराया भी देना बंद कर दिया। ये स्कीम अब भी ईडी की जांच के दायरे में है। एजेंसी एचडीआईएल इसकी जांच कर रही है और उसमें आरोप लगाया गया है कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर निजी डेवलपर्स को पुनर्वास हिस्से को एक लेकिन डेवलपर्स ने बीच में ही प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया और 672 परिवारों को किराया भी देना बंद कर दिया। ये स्कीम अब भी ईडी की जांच के दायरे में है। एजेंसी एचडीआईएल इसकी जांच कर रही है और उसमें आरोप लगाया गया है कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर निजी डेवलपर्स को पुनर्वास हिस्से को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। ईडी ने इसी महीने की शुरुआत में दायर अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि संजय राउत शुरू से ही पात्राचौल घोटाले में शामिल थे और प्रवीण राउत उनके प्रॉक्सी थे। फिलहाल संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों ही जेल के अंदर बंद हैं। खैर फिलहाल तो अच्छी खबर यही है कि म्हाडा देर से ही सही मगर जागी तो कम से कम 2 साल के अंदर ही सही 672 परिवारों को उनका अपना घर तो मिल सके।